तो गाइस आज की वीडियो में हम खेलने वाले हैं ब्रेन आउट 2। और तुम्हें भाई जैसा कि पता है ये गेम थोड़ी दिमाग लगाने वाली है, उल्टा सीधा दिमाग लगाते हैं इसमें, सीधा भी नहीं भाई उल्टा सीधा। तो इसीलिए भाई आज हमारे जो व्यूअर्स हैं वो हमें मदद करने वाले हैं इस गेम को कंप्लीट करने में। तो इसी बात पे भाई गेम शुरू करने से पहले एक लाइक तो कर ही सकते हो यार। तो चलो भाई स्टार्ट करते। सो हंग्री मेक समथिंग टू ईट। देखो भाई ये बनाना टाइप लग रहा है मुझे, इसको हम उठा लेते हैं भाई, काम आएगा खाने के। खिला दो इसको। ओके ये स्माइली फेस को हम हटा सकते हैं। अभी कैप बन गई, कैप नहीं बन गई है, ऐसा लग रहा है कैप को ऊपर से देख रहा हूँ मैं। ओ आई नो कि कहाँ जा रहा है ये एग है। नाइस, बस एग बनाना था, एक एग में पेट भर जाएगा भाई तेरा। जो क्लाउड है ना उसको, हाँ मैंने कर दिया वो। वट इज द मिनिमम कट्स नीडेड टू कट अ सर्कल इंटू 8 इक्वल पार्ट्स। 8 इक्वल पार्ट्स करने हैं भाई। यहाँ पे डाइसेक्शन वाला चैप्टर याद आ गया मुझे अपने मैथ्स का, तो इसको हम काटें क्या भाई। वट इज द मिनिमम। ओके ओके ओके, क्वेश्चन में ही आंसर है, समझ गया जेडन भाई, थैंक यू। वट इज द मिनिमम कट बोला है इसने, मिनिमम हमें एक तो लगाना ही पड़ेगा ना। ठीक है वो तो मैक्सिमम कट हो जाएंगे, चार मैक्सिमम कट है। ठीक है एक हमारा मिनिमम कट होगा। ओके अच्छा अच्छा सॉरी, हमें फोल्ड करके कट एक लगाना है जिससे। ठीक है ओके अब मेरे को क्लियर हो गया, उसने डायग्राम से बताया। गेम को भी पता है कि हम ऐसे समझ नहीं पाएंगे, इसलिए बंदे ने भाई पूरा डायग्राम दिखाया एंड में कट करके। चलो हाउ मैनी एंट्स। तो भाई पत्थर है यहाँ पे, पत्थर से मार दू क्या एंट को? अबे उठ नहीं रहा, वरना मैं सारे मार देता और यहाँ पे जीरो लिख देता है ना। ओ जूम भी होती है चीजें, चलो जेडन भाई ने बता दिया जूम होता। ओ ये जा रहे हैं देखो, अरे भाई ये वैष्णो देवी की चढ़ाई कर रहे हैं एंट्स, देख रहे हो फुल श्रद्धा है भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 टोटल 17 है। ओके नेक्स्ट किया जाए फिर। हाँ अनु हमने कर दिया 17 आंसर। फाइंड आउट द रूल एंड राइट डाउन द आंसर। ओके तो जीरो है ऊपर क्योंकि यहाँ पे कुछ भी सारे सेम है, सर्कल यहाँ पे सर्कल सारे हैं बट एक हमारा बीच में ये पकोड़ा है, ब्रेड पकोड़ा, तो इसको एक दिया हुआ है क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे है। फिर ये सेकंड प्लेस पे है तो 2। 7 आंसर तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे नंबर एक बार गैस करके देखते हैं, मैं श्योर नहीं हूँ बस। हाँ इसकी वैल्यू 1 है। ठीक है जेडन भाई ने 9 लिखा है आंसर, बट ये 9 आया कैसे ये मुझे जानना है। ट्रायंगल काउंट करो। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जीरो की वैल्यू नहीं होती। ठीक है यहाँ इसमें एक ट्रायंगल है तो एक हो गया, फिर यहाँ तक हमारे 2 ट्रायंगल थे तो 2 हो गया, फिर यहाँ तक तो 4 ट्रायंगल हो गए, तो फिर यहाँ 3 क्यों है? एक बार 10 लिखूं क्या? 10 भी नहीं आंसर। 9 कैसे है? 9 कैसे है मैं वही समझ नहीं आया है ना, मेरे को अभी भी समझ नहीं आया कि 9 कैसे था वो, बट ठीक है हो गया अब तो। टैप अ बटरफ्लाई बटरफ्लाई अबव द टेक्स्ट, बटरफ्लाई अबव द टेक्स्ट। ओ ये मेरे को समझ आ गया। ओ मेरे को लगा कि बटरफ्लाई को हम ऊपर लेके जा सकते हैं बट नहीं, हम टेक्स्ट को ही नहीं चला सकते। अब ये अबव हो गई है तो अब इसको हम टैप कर सकते हैं। मैंने इसमें PhD करा हुआ है। अरे जेडन भाई तो भाई PhD करके बैठे हैं, गेम इट आउट। अरे सूर्या गेमर भाई कैसे हो? विजन तुमने ठीक लिखा है बट विजन की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, ZAN है। फाइंड 8 एनिमल्स, तो हमें 1 2 3 4 5 एनिमल तो दिख गए, 5 6 7 एनिमल तो दिख गए, एक एनिमल बचा है। 1 2 3 4 5 6 6 हो गया 7 ही। अब तुम बोल रहे हो कि मैं इस लड़की को एनिमल क्यों बोल रहा हूँ, तो भाई अगर तुमने पढ़ा होगा या पता नहीं अभी तुम कौन सी क्लास में हो, बट जो एनिमल मतलब जो ह्यूमंस होते हैं वो भी एक एनिमल की कैटेगरी में आते हैं, तो वी आर एनिमल्स टू। सूर्या नहीं साइबोर्ग देव। अरे साइबोर्ग भाई तुमने नाम चेंज कर लिया क्या अपना? साइबोर्ग देव कितना अच्छा नाम था यार, मैंने रखा था, तुम्हारा नाम चेंज कर लिया तुमने। क्लाउड्स को हटाओ, क्लाउड्स को हटाना पड़ेगा भाई ने बोला है, क्लाउड्स हट ही नहीं रहा। अरे बारिश हुई है क्लाउड से और एक कीड़ा निकला है इसमें से। और एक और बात बताऊं, ये वॉर्म जो है वो एनिमल नहीं होता है, वो तो इंसेक्ट होता है। टॉक्सिक अनु है और जेडन भाई है हमारे,
ये मदद कर रहे हैं मुझे इस गेम को कंप्लीट करने में। वापिस आओ, क्लाउड को हटाएं। ओके नाइस। ड्राइव द कार टू द रोड साइड। और बीच में हमें आइस पड़ी हुई थी, नाउ आइस पिघल चुकी है, अब हम जा सकते हैं यहाँ से। अरे भाई जाना आगे। अच्छा रोड साइन भी चेंज करना है क्या? ड्राइव द कार टू द रोड साइन। रोड साइन को भी चेंज करना पड़ेगा क्या? चल भाई। हाँ चलो, चल गया। लाइट अप द फोर्थ बल्ब। फोर्थ बल्ब हमारा ये है, नहीं है ये है हमारा फोर्थ बल्ब। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। तो ये ऐसे उल्टी टेढ़ी मेढ़ी क्यों लगी? तो ना फोर्थ बल्ब जल रहा है ना थर्ड बल्ब जल रहा है, जो कि फोर्थ प्लेस पे है। हाँ फोर्थ को हमें जलाना है। स्टार्ट। ओके फोर्थ पे हमें रोकना है। अरे फिफ्थ पर रुक गया। नाइस फोर्थ पर रोक दिया हमने, मतलब यही है फोर्थ असली, तो उसी को हमें रोकना पड़ेगा। अरे अरे भाई, मैं या तो मैं जल्दी प्रेस कर दे रहा हूँ या मैं बाद में प्रेस कर रहा हूँ। दो और तीन पे ज़्यादा रुक रहा है ये। अरे भाई रुकता ही नहीं चार पे, मेरे आते ही नूब हो जाते हो। यार स्पेशलिटी है। ओ अब हो गया। तुमने नूब बोल कैसे दिया बताओ? जैसे नूब बोला वैसे ही कंप्लीट कर दिया गेम, देख रहे हो? दो पे स्टॉप कर दो हो जाएगा। हाँ हो गया। अब हेल्प देम क्रॉस द रिवर। तो भाई रिवर क्रॉस कराना है, बट किसको किस साइड लेके जाना है ये तो बताया नहीं। कहीं भी लेके जा सकता हूँ ना अगर ये स्पेसिफाई नहीं किया है तो। हेल्प देम क्रॉस द रिवर। जूम कर, बोट पे जूम करूँ। ओह नाइस, ये थैंक यू सो मच बोल रहे भाई। देखो व्हाट थ्री नंबर्स एड अप टू 12। थ्री नंबर्स को ऐड करके हमें 12 बनाना है। तो 9 और 3 को तो हम ऐड नहीं कर सकते, वरना वो डायरेक्टली 12 बन जाएगा। एटलीस्ट हमें 3 यूज़ करने हैं। अरे ये हटेगा कैसे अब? हाँ अच्छा, हम दोबारा दो दो बार यूज़ कर सकते हैं चीज़ें। तो एक बार मैं 3 यूज़ करता हूँ, फिर मैं 6 यूज़ करता हूँ, फिर मैं दोबारा 3 यूज़ करता हूँ। देखा, ये बढ़िया था। यू जस्ट सॉल्व द हार्ड मैथ प्रॉब्लम। भाई बहुत हार्ड थी यार, मेरे तो दिमाग के ये सारी तारे खुल गई। ब्रो माइनक्राफ्ट खेलो। माइनक्राफ्ट खेलेंगे बट बाद में। ब्रो माइनक्राफ्ट कभी नहीं खेलेगा। खेलेंगे खेलेंगे। पुट एवरीथिंग इन द बॉक्स। सब कुछ बॉक्स में डालेंगे बट हम सिगरेट को नहीं डालेंगे क्योंकि हमें नहीं पसंद है। हमने देखो सारी अच्छी चीज़ें बॉक्स में डाल के बंद कर देते हैं बॉक्स। पुट एवरीथिंग, देखो ये भी डाल दिया बॉक्स में, ये भी डाल दूँ। सिगरेट भी डालनी पड़ेगी क्या? इसको मैं डालना नहीं चाहता, फेंको इसको। चलो डाल ही देते, कह रहा है तो ये। नाइस, अ मैजिकल बॉक्स कुड होल्ड एवरीथिंग। ये मैजिकल बॉक्स कम डोरेमोन की पोटली ज़्यादा लग रही है। तो अब आया है व्हैक-अ-मोल। तो मोल को हमें मारना है, तो हम ऐसे मारेंगे। अरे ये तो इन्फिनिटी तक चलता रहेगा यार। व्हैक-अ-मोल। अच्छा हम क्लिक करके भी कर सकते हैं इसको। अरे मर जा भाई मोल। ओ इसको पकड़ के हम बाहर निकाल सकते हैं। नाइस, ले मार भाई इसको। मैं पहले हैमर को उसके पास लेके जा रहा था बट उसको हैमर के पास लाना था। हैमर अपने आप कर लेता है भाई चीज़ें, हैमर को सिखाने की जरूरत नहीं है। कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? 1 + 2 + 3 + 1 1 + 2 + 3 + 1 1 + 2 + 3 + 1। तो मेरे ख्याल से सबको हमें प्लस करना पड़ेगा इधर, तो सबको हम प्लस कर देते हैं फिर देखते हैं आंसर। 1 3 3 6 7 7 1 8 10 13 14 15 16 17 17 3 20 और 1 21। नो इट इज़ नॉट राइट। ओके तो क्या सिर्फ हमें इस चीज़ को प्लस करना है? अगर ऐसा है तो 1 2 3 4 4 + 3 7 होता है, 7 करके देखते हैं। 7 भी नहीं आंसर। अनु ने बोला है 9। 9 कैसे हुआ? नहीं 9 भी नहीं हुआ। मैथ बहुत कमज़ोर है। एनी भाई की बहुत अच्छी है। एनी भाई है नहीं यहाँ पे। 39 कैसे? 39 कैसे हो रहा है? कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? अच्छा सूर्या भाई बायो ली तुमने, साइबॉर्ग भाई अपने, तो डॉक्टर बनने का इरादा है तुम्हारा, सर्जन। 39 क्यों है? मैं समझ गया 39 लिख रहे हो तो 39 ही होगा आंसर। 33 + 7 होता है हमारा 40। 40 में डाल के देख चुका हूँ, 39 आंसर है। ठीक है इसका क्या, इनको भी प्लस करना है क्या नंबर्स को? 39 में समझ गया आंसर है बट क्यों है वो? यू रीड द प्रॉब्लम वेरी केयरफुली। कैन यू सॉल्व द दिस क्वेश्चन? मेरे को गुत्थी समझ नहीं आई वो 39 कैसे है। वो समझ गया मैं, है वो, तुमने क्वेश्चन आंसर बता दिया मुझे। ओ गॉड, जोजो ओवर स्लेप्ट। वे खराब, जोजो को बहुत नींद आ रही है भाई। पहले अलार्म बजाने की कोशिश करेंगे।
या तो इससे है उठाएंगे हम, इससे भी नहीं उठ रहा भाई, ये पतंगा बहुत आवाज करता है, या तो हम इससे मारें मोल की तरह, नहीं हो रहा है, ये कुत्ता भी भौंक सकता है इसे कान, भाई कितना जिद्दी आदमी है जोजो, इतनी सारी चीजें आवाज क्या बोलते हैं हुड़दंग मचा दिया फिर भी नहीं उठ रहा है। तो हमारे जेडन भाई ने बोला गेट ओपन करने के लिए, चलो ओ ये उसकी मम्मी थी ना, मम्मी ने इसकी जो पिटाई लगाई है इसके बाद, F1=5, 2=15, 3=215, and 4=3215, मतलब ये बढ़ता जा रहा है इनक्रीज है, देखो 1515 है ना, 2=15, 3=215, 4=3215, तो 5=4, होगा 43215, और इसको हमें क्या प्लस करना है, 43215, तो प्लस करके एक बार देख लेते हैं, 4 3 7 7 2, नहीं प्लस निकलना, हाँ ये तो मैं समझ गया ये है, बट इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है ना, इसको प्लस करूँ क्या मैं, 4 3 7 8 9 10, 10 और 5 15, 43215 है हमारा आंसर, सब दबा दो, क्या एक पे क्यों हो गया वो, मतलब कुछ भी दबा दो सही आएगा, ये भी ठीक है भाई। विच कप विल गेट फिल्ड फर्स्ट, तो देखो भाई अब ये मेरा क्वेश्चन आ गया, क्योंकि भाई मैं हूँ साइंस स्टूडेंट, मतलब था अब मैं पार कर चुका, तो यहाँ पे सबसे पहले भरेगी हमारी बाल्टी, ठीक है, तो यहाँ पे तो कनेक्शन जा रहा है ना ये, हाँ तो पहले क्या होता है कि नीचे है तो सबसे पहले नीचे वाले से ही जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि तो पहले नीचे से भरना स्टार्ट होती है ना, तो यहाँ जाएगा ठीक है, फिर ये भरेगा तो पहले डायरेक्ट ही फोर में जाएगा यहाँ से, क्योंकि जब तक ये इतना नहीं भरेगा तब तक यहाँ से नहीं जाएगा, तो वो डायरेक्ट ही यहाँ जा रहा होगा फोर्थ, तो मेरे ख्याल से भाई मेरे ख्याल से फोर्थ होना चाहिए था, तो इसके हिसाब से ये टू में जाएगा पहले, फिर टू से यहाँ देखो बंद पड़ा है, यहाँ तो नहीं जाएगा, तो ये खुला हुआ यहाँ से चलता है, फिर यहाँ से ये, फिर ये भी बंद है, तो सेवन भी नहीं होगा, तो मेरे ख्याल से सिक्स होगा आंसर, अरे मेरे को लग, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ तो बंद है ना ये फोर्थ के आगे, ये तो मैंने ध्यान नहीं दिया था, ठीक है तो ये थर्ड होगा मेरे ख्याल से, बताओ थर्ड भी नहीं है। विच कप विल गेट फिल्ड फर्स्ट, अभी मैं चैट नहीं देख रहा हूँ, अब देखते हैं जरा चैट में क्या लिखा आ रहा है, ब्रो वन को नीचे ले लो, वन को नीचे कर सकते हैं, या आपने पढ़ा है साइंस, हाँ यही पढ़ा है मैंने साइंस में। देख रहे हो मेरी साइंस इतनी वीक है क्या कि मेरे से हो नहीं रहे, ब्रो एक को नीचे ले लो, एक को नीचे ही रखना पड़ेगा, ओके इसको हम हटा के फेंक सकते हैं, ये हमारा इम्पोस्टर था भाई, इसको हटाओ भाई, भागो तू यहाँ से, अरे हाँ यानी भाई आ गए ना, अब यानी भाई करेंगे हमारी मदद, साइंस के स्टूडेंट तो वो भी लगते हैं मुझे, हाँ अब बताओ क्या भरेगा, फोर्थ भरेगा, देखा परफेक्ट भाई। साइंस का स्टूडेंट है विजन भाई, इतना ईजी क्वेश्चन नहीं हो रहा। अब तो हो गया भाई, अब तुम कैसे कह सकते हो, मूव वन मैस्टिक टू मेक अ बिगेस्ट नंबर, 369 हमारा ऑलरेडी यहाँ पे है, तो इफ आई, इसको हमें बड़ा बनाना है, 3 को बड़ा करना होगा, बिगेस्ट नंबर हमारे थर्ड में बिगेस्ट नंबर होता है 9, 9 से स्टार्ट होता है, मान लो 999 जो होता है सबसे बिगेस्ट माना जाता है, तो इसको हम 9 बना सकते हैं क्या, अबे तिल्ली लाऊं कहाँ से मैं, मूव वन मैस्टिक टू मेक अ बिग नंबर, कोई मैस्टिक हिलने का नाम ही नहीं ले रही है भाई, चिपक गई है लग रहा है, एल्फी से चिपका दिया लग रहा किसी ने इसको, देखो एक भी नहीं हिल रही भाई अपनी जगह से, भाई हिलने का नाम ही नहीं ले रही भाई, आज तो पागल हो जाऊंगा मैं, ये देखो यहाँ पे दो दो दिख रहा है, ये हिला सकता हूँ क्या मैं, अरे भाई चलो चैट देख ही लेता हूँ मैं, 96 अनु बोल रही सॉरी 965 ही चल रहा है जा रहा नीचे, तो 9 वाले का ये देखो ना मैं उठा रहा हूँ, नहीं उठ रहा ये क्या तिकड़म मचा दी गेम ने भाई, अब स्ट्रीम में ज़्यादा लोग आने लगे हैं मुझे भूल गए, यानी भाई कहाँ भूल गया मैं, इन सब से पूछो, तुम यहाँ थे भी नहीं तब भी मैं तुम्हारी जिक्र कर रहा हूँ जब से, ये यानी भाई ने हैक कर लिया क्या यार, ये तो हिल ही नहीं रहा अपनी जगह से, टाइप करूँ, ओके 9 ओके ठीक है, तो
इफ मैं चाहता था कि इसको यहाँ उठा के रखूँ तो हो जाएगा हमारा 965, तो 965 पर टाइप करके ओके करते हैं। ओके ये सीन है। ओके ओके नाउ आई गॉट इट। शिवम भाई वेलकम, दोबारा से आए हो तुम। यू सर्टेनली डिड वेल टुडे। मैंने अकेले सही नहीं किया भाई, ये स्ट्रीम पे बंदे करा रहे हैं मुझसे। अब ये पॉटी क्यों रखी हुई है इस पे स्क्रीन आइसक्रीम पे। फाइंड समथिंग यू कैन नॉट ईट। ऑब्वियसली आई कैन नॉट ईट दिस। ये तो देखने में ही ठीक नहीं लग रहा भाई, इसको फेंक दो यार। जो ये एम को उल्ट ये टेढ़ा कर दिया भाई, रोटेट कर दिया मैकडोनल्ड्स को। मैं मुर्गी खाना नहीं, गमला नहीं खाऊंगा मैं। हाँ ये क्या है, ये गमला नहीं, नेस्ट। हेल्प टॉम टू गेट हर नोटिस। हेल्प टॉम टू गेट हर नोटिस। इसको इतनी बड़ी लड़की से नोटिस क्यों होना है, ये तो बच्चा है ना भाई। नेस्ट को टच कर दीजिए चिकन को हटाकर। हाँ हम कर चुके हैं अनु, बट फिर भी लेट बताने के लिए शुक्रिया। टॉम को नोटिस कराना है तो देखो डायमंड है, लड़कियों को क्या पसंद होता है, डायमंड रिंग पसंद होती है ना, तो हम यह रिंग बना सकते हैं इसको। ये ले भाई टॉम, दे दे लड़की को। लड़कियों को क्या पसंद होता है भाई। अरे भाई ये कैसा नोटिस है, वो उसका बैग लेके भाग गया भाई। अबे भाई उसका बैग लेके भाग गया, ऐसे ऐसे टेंशन पाई जाती है क्या। एनी भाई तुम कह रहे थे ना कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बन रही, तो तुम्हें यही करना पड़ेगा, कोई भी लड़की दिखे तो उसका कोई भी सामान लेके भाग जाना, या तो स्कूल में जो पाउच लड़कियां यूज करती है ना उसका, पेंसिल का। आजकल ज्योमेट्री यूज नहीं करते हैं, पाउच यूज करती हैं गर्ल्स, तो वो लेके भाग जाना, फिर देखना तुम्हें अटेंशन इतनी मिलेगी ना। अच्छा मम्मी थी उसकी, मुझे लगा कि कोई रोड पे कोई ऐसी लड़की थी। यार गेम को थोड़ा बताना चाहिए कि मम्मी है उसकी। अनु ने बता दिया उसकी मम्मी है, वरना मैं तो काफी कुछ बोले जा रहा था। फाइंड द एलियंस। एलियंस का ये एयरशिप है एलियन की, ये देखो एलियन ही लग रहा। अरे एलियन कहाँ छुप के बैठा है भाई, पत्थर के नीचे तो नहीं है। फाइंड द एलियंस, वो भी एलियंस ढूंढने, एलियन नहीं ढूंढना, एक नहीं बहुत सारे एलियन ढूंढने। रॉक हटाओ, रॉक के नीचे तो कुछ मिला नहीं। एयरशिप को फर्स्ट पत्थर के पास रख दो। एयरशिप को फर्स्ट पत्थर के पास, नहीं कुछ नहीं। और अच्छा यहाँ इसके नीचे छुप के बैठा है भाई एलियन। सन हटा दो, नहीं सन हटाने से तो कुछ नहीं हुआ था। अनु ने बता दिया भाई वो छुप के बैठा भाई एलियन। बताओ यार, मतलब हमें एलियन ढूंढना पड़ेगा तो पत्थर के नीचे छुपा होगा कहीं, तो हमें कहीं पत्थर खोजना पड़ेगा फिर एलियन मिल जाएगा। तो मतलब एग्जिस्ट करते हैं एलियन हमारी दुनिया में भी। हाउ मैनी फ्रेंच फ्राइज बिलो। फ्रेंच फ्राइज हमें गिननी है। तो गाइस आज की वीडियो हम इतनी रखते हैं, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी भाई, क्योंकि 100 लेवल्स हैं इसमें, समझ रहे हो। तो अगर नेक्स्ट पार्ट देखना है तो भाई लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हो, और अगर तुम्हें कोई और ही वीडियो देखनी है, ये गेम नहीं देखनी, तो भाई राइट वाली वीडियो देख लो चुपचाप, है ना। सही बात है। तो चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।